रहा। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। आयुष्मान भव, ये आशीर्वाद अक्सर बड़े अपने छोटों को देते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन दीर्घायु हो, लेकिन लंबे अर्थात दीर्घायु जीवन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता कैसी है, क्या व्यक्ति स्वस्थ है या निरोगी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर बात करें स्वस्थ व निरोगी जीवन की, तो इसके लिए एक महामंत्र है जिसे कहा जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद है महामंत्र जो करता इसका उपयोग, बनता दीर्घायु जीवन उसका, दूर रहते सब रोग। यदि आप भी अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, रोगों से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ व निरोगी काया और जीवन पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आयुर्वेद एक बेहतरीन विकल्प सिद्ध होता है। किस प्रकार से आयुर्वेद द्वारा रोगों से बचाव किया जा सकता है, रोगों का उपचार किया जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। आयुर्वेद का हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व है और क्या उपयोग है, आइए समझ लेते हैं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना सिखाता है और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। आयुर्वेद एक स्पष्ट संक्षिप्त सहयोगी विज्ञान है जो लोगों को अपने मन और शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से संतुलन लाकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन तत्वों में असंतुलन के कारण ही मानव शरीर में रोग या समस्या उत्पन्न होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीन मूल तत्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी या रोग नहीं उत्पन्न होता, लेकिन जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी शरीर को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्वों का संतुलन बनाया जाता है। साथ ही आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर बल दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न न हो सके। आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए हर्बल उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक दवाओं और आहार संशोधन, मालिश व ध्यान का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है जिससे जीवन स्वस्थ और खुशहाल बन सके। आयुर्वेद के सिद्धांत क्या हैं? इसमें विभिन्न रोगों का इलाज कैसे किया जाता है, आयुर्वेद का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और विभिन्न रोगों को ठीक करने के लिए किस तरह की प्रभावशाली तरीके इसमें मौजूद हैं, इसके विषय में जानकारी होने की आवश्यकता है। आयुर्वेद जीवन दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य में और पूरी तरह से रोग मुक्त शरीर व जीवन पाने में बेहद उपयोगी है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। अनुशासन एक ऐसा मंत्र या एक ऐसा नियम है जिसका पालन करके जीवन बेहतर हो सकता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अनुशासन अर्थात नियम का प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। जिस प्रकार का मौसम हो उसी प्रकार का व्यवहार और आहार विहार व्यक्ति को रखना चाहिए, ये आयुर्वेद के सिद्धांत में ज्ञान मिलता है। किस तरह से बदलते मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, शरद ऋतु का आगमन हो गया है, ऐसे में आहार विहार अर्थात किस प्रकार की दिनचर्या आपको रखनी है और कैसे भोजन यानी आहार का सेवन करना है, ये भी विशेषज्ञ आपको बताएंगे। साथ ही ये भी समझाएंगे कि इस मौसम में अर्थात सर्दियों के मौसम में जो आने वाला है, ऐसे में किस प्रकार के उपाय आप करके छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, सर्दी जुकाम बुखार या विभिन्न तरह के संक्रमण हैं, उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं और विशेष रूप से कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। इस तमाम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, आयुर्वेद एक्सपर्ट। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। नमस्कार।
आज के डिस्कशन में पंचकर्म पर विशेष रूप से बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड पंचकर्मा चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि आयुर्वेद विज्ञान भी है, साथ ही हमें जीवन जीने अर्थात स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखाता है, तो इस कला को सीखेंगे विशेषज्ञों से। इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इन फोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का एसटीडी कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2338-7031 एंड 2309-7655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस विज्ञान को अर्थात लंबे जीवन और निरोगी जीवन के इस विशेष विज्ञान आयुर्वेद के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर तनुजा नेसरी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारा प्राचीन विज्ञान है इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मॉडर्न टाइम्स या वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो शायद उतना सरल सुगम नहीं है इसके नियमों का पालन करना। कितना महत्व आप मानती हैं आजकल जब इतने विशेष प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, सभी के लिए आयुर्वेद का उपयोग और अपने जीवन में उसको सम्मिलित करना कितना महत्वपूर्ण है? ये अहम महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद ये जीवन जीने की कला है एंड इट इज़ अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये एक जो होलिस्टिक वेलबींग है, ये उत्तम आहार अपने प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, अगर अपने एक उत्तम आहार विहार और आचार इसकी अगर हमने अपने आप में अंतर्भूत किया, आहार को ऋतु के अनुसार बदलाव किया, तो मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी नहीं होती है। हम प्रतिबंधात्मक उपचार हम अपने आप को आप ही कर सकते हैं। और हम यही कहते हैं कि माय हेल्थ इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आहार को माइंडफुल, हम क्या खा रहे, कैसे रहे, कब ले रहे, कितनी मात्रा में ले रहे, तो उचित मात्रा में काल के अनुसार आहार लेना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी शरद ऋतु है जिसमें अक्टूबर महीना और अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो ये हमारे जो आयुर्वेद हमारे घरों में बसा है, ऋतु में बसा है, हमारे त्योहारों में बसा है, घर घर में बसा है, तो हमारे रिचुअल्स है ये बिल्कुल नियम के अनुसार दोषों को संतुलित रखने के लिए किए। नवरात्रि में व्रत रखना, ये भी आयुर्वेद जैसे शरद ऋतु में लघु आहार को लेना, अग्नि को, अग्निमांड को बचाना, और इस काल में जो पित्त बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जिक कंडीशंस होती है, इनको बचाने के लिए मधुर लघु शीत इस आहार को लेना, ये बिल्कुल उचित मात्रा में लेना, इससे हम स्वस्थ रहते हैं जी। और उसमें अपने खाद्य पदार्थों में क्या शामिल किया जा सकता है, क्या सम्मिलित किया जा सकता है, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अरुण, जो सिद्धांत है आयुर्वेद के, उसमें ये बताया जाता है कि जब शरीर में असंतुलन हो किसी प्रकार का, वही किसी व्याधि या रोग को उत्पन्न करता है। किस तरह से समझाना चाहेंगे जो आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं, उनके मूल तत्व क्या हैं और क्या कारण होता है? क्योंकि ये भी बताया जाता है कि पहले किसी भी रोग का आरंभ सूक्ष्म स्तर पर होता है। देखिए, बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। आप अपने घर का डस्टबिन रोज खाली करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विस 6 महीने में एक बारी करवाते हैं, अपने कपड़ों को कभी कभी थोड़ा थोड़ा धोते हैं और कभी कभी उनकी डीप क्लीनिंग करवाते हैं, अपने घर की लिपाई पुताई कराते हैं। लेकिन सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि अपने इस शरीर को जो भगवान ने आपको 100 साल जीने के लिए दिया था, कितनी बारी सर्विस किया, कितनी बारी इसका कचरा खाली किया। इसलिए आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि सबसे पहले एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई, जब इस ह्यूमन बींग का निर्माण किया, साथ साथ ही एक सर्विस बुकलेट के रूप में आयुर्वेद को दिया। उसमें सब कुछ वर्णित है कि किस ऋतु में क्या खाना, दिन में क्या खाना, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, समाज में आपको कैसे रहना है, परिवार में आपको कैसे रहना है, स्वयं की देखभाल कैसे करनी है, इन सब के बारे में इतना गहन चिंतन, इतना साइंटिफिक चिंतन शायद ही विश्व की किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में है जी। इसीलिए आयुर्वेद जो सीजनल पंचकर्मा की बात करता है, वो इसीलिए करता है कि आपने जो जो भी कुछ, हर दो महीने पे एक एक सीजन खत्म होता है ना, आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का समावेश किया गया है, तो उन 2 महीने में हमने जितना भी कचरा इकट्ठा किया उसको निकालते जाएं,
दो महीने में नहीं निकाल पाए तो कम से कम 6-6 महीने में जो दो नवरात्रे आते हैं साल में, ये भी हमें इसी बात का बोध कराते हैं कि आप स्पिरिचुअल डिटॉक्स तो कर रहे हैं। अक्सर समाज में क्या धारणा है कि नवरात्रे आ गए तो मतलब माता की पूजा कर ली और सब कुछ हो गया। नहीं, उतने से केवल आपका मानसिक बल बढ़ेगा, आपके नेगेटिव विचार जो हैं वो आप उनका त्याग कर देंगे, आप किसी ईश्वरीय शक्ति की ओर अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, लेकिन अपने इस शरीर को भी शुद्ध करना है। उसके लिए आयुर्वेद में हर सीजन में एक एक पंचकर्म की प्रक्रिया का विधान है। जी, विस्तार से आपसे उसके विषय में भी समझेंगे। डॉक्टर मनीष, जब बात आती है स्वयं को रोग मुक्त रखने की, तो बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि शायद बहुत तरह के विकल्प अपनाए जाते हैं, कई तरह के मार्केट में ऐसे गिमिक्स बताए जाते हैं कि आप ये चीज़ें कर लीजिए तो मान लीजिए एक मैजिकल इफ़ेक्ट, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मंत्र और तंत्र हो जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अनुशासित जीवन जीना जिसको साइंटिफिक माना जाए, और विशेष तौर पर जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विस्तार से जहाँ जहाँ पर सीजन चेंज होता है, चेंज ऑफ सीजन वाले समय पर बताया जाता है कि उपवास करना है, कुछ विशेष प्रकार के आहार छोड़ देने हैं, कितना महत्व रहता है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में, और जिन व्याधियों का खतरा आने वाले समय के अनुसार या सीजन के अनुसार हो सकता है उनकी संभावना को कम करने में। इसके लिए एज पर आयुर्वेदा जैसा हम कहते हैं, भूख का लगना, मल का निकलना तथा निद्रा सही होना, अगर किसी व्यक्ति की ये तीन चीज़ें सही हैं तो वो रोग मुक्त रह सकता है। जैसे सीजन चेंज होता है तो हम अगर हम ध्यान से सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो हमारी भूख की थोड़ी सी टेंडेंसी कम हो जाती है, परंतु हम एज पर रूटीन अपना उसी मात्रा में खाना खाते रहते हैं और थोड़ा टाइम देखेंगे तो हमारा मल ठीक नहीं आता या नींद ठीक नहीं आती। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और हमको लगे कि हमको भूख नहीं है तो उस समय खाना ना खा के उपवास करें, उपवास करते ही हमारी एपेटाइट ठीक हो जाएगी, मल ठीक आना शुरू होगा, नींद ठीक आ जाएगी। ये तीन चीज़ बड़े सिंपल वे में, जब भी कभी भी आपको लगता है आप बीमार हो रहे हैं या आपको लगता है किसी प्रकार से मैं क्यों बीमार हुआ हूँ, बाकी लोग भी तो सब काम कर रहे हैं, तो आपने दिनचर्या बनाएं, लिखें मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, क्या किया क्या किया, क्या खाना खाया, कहाँ गया मैं, क्या मैंने शारीरिक व्यायाम किया, क्या मैंने मानसिक व्यायाम किया अपने लिए। लोग शारीरिक व्यायाम फिर भी कर लेते हैं, मानसिक व्यायाम नहीं करते। मानसिक व्यायाम के लिए लोग मात्र आपको 10 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन करना है और 5 से 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है। तो दिनचर्या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। जैसे हम सुबह उठें, सुबह उठने के बाद हमें एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, 5 से 10 मिनट हल्का टहलना चाहिए, उसके मल त्याग के बाद हमें 20 मिनट तकरीबन वॉक करके 10 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे ही हम प्राणायाम मेडिटेशन व्यायाम से निवृत्त होते हैं उसके बाद अपना रूटीन काम करके इस तरह से हम दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए, और रात को हमें बैठ करके 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए हमने दिन भर में क्या किया, क्या खाया, क्या कहाँ गए हमने, क्या ठंडा पानी पिया, फ्रिज का पानी लिया, हमें ज़रूरत थी या हमें समय के अनुसार वैसे ही किसी ने कहा और हमने खा लिया है। अगर हम इन तीन चीज़ों पर भूख को, मल को और अपनी निंद्रा को ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है हम आने वाली सभी ऋतुओं में, चाहे वो शरद ऋतु है या हेमंत ऋतु है, सभी में इस बीमारी से बच सकते हैं। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, अरुणा शर्मा जी हैं जो कॉल कर रही हैं मध्य प्रदेश से। अरुणा जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मेरी एज 40 है। बिफोर 2 मंथ मेरा एक 2-व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा स्मेलिंग पावर लेस हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो स्मेलिंग पावर कब और कितने टाइम में वापस आएगा, और इसके पहले से मुझे हेयर लॉस और स्किन का थोड़ा एलर्जी का है। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है, मेरी मदर की एज 70+ है, उनको वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? जी, दो प्रश्न है इनके। पहला सवाल डॉक्टर अरुण, जो इनकी समस्या है कि एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद हेयर फॉल हुआ और कुछ समस्याएं हैं, क्या आप इन्हें एडवाइस परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी व्याधि के लिए जब भी कुछ शरीर में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आती हैं तो उसमें आयुर्वेद का जो सिद्धांत, ज्वर का जो सिद्धांत है वही लागू होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ज्वर आदो लंघनम प्रोक्तम, कि जब भी कोई चीज़, कोई भी बीमारी आती है तो जैसे डॉक्टर मनीष ने भी बताया कि लंघन करें, केवल फास्टिंग करें, कुछ ना खाएं। कोविड में भी इस फार्मूला को हमने बहुतायत में इस्तेमाल किया कि जिन लोगों को कोविड के प्रारंभिक लक्षण होते थे हम उनको कहते थे कि आप एक दिन के लिए भोजन त्याग दें, ताकि शरीर उस व्याधि से लड़े, ना कि आपके भोजन को पाचन करने के लिए अपनी ऊर्जा का व्यय करे। दूसरा होता है कि ज्वर मध्य हेतु पाचनम,
कि बीज के अंदर जब सेकंड प्रोसेस है चल रहा है उस समय कुछ पाचन औषधियों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि जीरा, अजवाइन, धनिया, ये सब पाचन करने का काम करती हैं। ज्वर आंते भेषजम दद्यात, जब हमारी व्याधि अब ठीक होने की ओर चल रही है उस समय हमें औषधि लेनी है ताकि वो व्याधि पुनः शरीर में वापस ना आए और वो चिरकाल तक यहाँ स्थापित ना हो जाए। और ज्वर मुक्ते विरेचनम, यानी कि कोई भी व्याधि जब चली जाती है तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे शरीर में छोड़ जाती है, उनसे मुक्ति पाना बड़ा ज़रूरी है जी। जैसे आप अभी पोस्ट कोविड इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो इसलिए जूझ रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रक्शन कोविड ने किया उसमें जो भी प्रॉब्लम्स और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हमारी बॉडी में रहे वो जगह जगह जा जाके किसी की किडनी खराब कर रहे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, किसी को ब्रेन में स्ट्रोक कर रहे हैं जी। तो इनको भी जो ये लक्षण है, जो बालों का झड़ना और हील ना होना, इन्फ्लेमेशन रहना, ये पित्त से संबंधित लक्षण है। और पित्त दोष के निवारण के लिए आयुर्वेद के पंचकर्म में विरेचन ही एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसलिए अगर आपने निकट किसी भी वैद्य से संपर्क करके विरेचन प्रक्रिया का पालन करेंगी तो इनके सभी लक्षणों से मुक्ति मिलेगी। राइट। और डॉक्टर धनंजय जी, इनका दूसरा प्रश्न था कि 70 वर्ष की आयु है इनकी माता जी की और वेरिकोज वेन्स की समस्या है, क्या आयुर्वेद में वेरिकोज वेन्स की समस्या के लिए कोई उपचार, कोई थेरेपीज उपलब्ध हैं? जी, वैद्यकीय परामर्श के अनुसार इसका चिकित्सा की जाती है। रक्त की दुष्टि, पित्त की वृद्धि और वहाँ के सीरियाओं का वॉल्व्स का शिथिल होना, ये इसका मुख्य कारण है। वो उल्टी दृष्टि से मसाज जरूर करें। घरेलू उपचार ये है कि जैसे सहचर तेल या कोई भी तेल है उनका ऑयल मसाज करना, जिससे से वो सर्कुलेशन है वो प्रतिलोम हार्ट की तरफ उनका डिटॉक्स हो जाएगा और वो उसका इलाज जरूर है और वो वैद्यकीय सलाह के अनुसार हम उसका शुरुआत के अवस्था में ही उसको रोक सकते हैं जी। और उत्तम यही होगा कि एक वैद्य से या आयुर्वेद एक्सपर्ट से ही आप जान लें कि मसाज अगर करनी है, मालिश किस प्रकार से करनी है, क्योंकि बहुत बार जो लोग स्वयं ही उपचार करते हैं उससे क्षति भी हो जाती है। डॉक्टर तनुजा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद बताता है कि यदि आपको भूख न हो तो ना खाइए, दूसरी तरफ एक मत अब ये भी चलता है कि अपना टाइम स्केड्यूल बनाया जाए, चाहे भूख हो या न हो उस समय पर व्यक्ति को खाना खाना ही है और उतनी ही मात्रा में खाना है जितनी उसको कैलोरीज की आवश्यकता है। आयुर्वेद का मत इससे कितना भिन्न है और किस प्रकार से अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए व्यक्ति को? जी, ये बहुत अहम सवाल है। किसी ने पूछा कि कितना खाना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि आपकी भूख के अनुसार खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? जब भूख लगे तब। तो ये और हम कब, समय कौन सा अच्छा है, तो सूरज के साथ चलो, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट 8 से 9 बजे अगर सुबह करें, सुबह 5-6 बजे उठे, हम सूरज सूर्योदय से पहले ये मान के चले, तो 2-3 घंटे के बाद में, मतलब 8 से 9 में अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो फिर 3 घंटे के अंदर कुछ नहीं लेना चाहिए। तो और कुछ आप अपना काम करें तो भूख जरूर लगेगी। सो 12 से 1 में आप लंच करिए। उसके बाद एक बार बड़ी मात्रा में लंच किए तो 6 घंटे के बाद आपको तुरंत शाम की समय भूख लगेगी। तो डिनर सूर्यास्त के बाद 7 से 8 के बीच में करना चाहिए जी। और भूख ना लगे तो हल्की मात्रा में, लेकिन कैलोरी को ध्यान में ना, कैलोरी को ध्यान में जरूर रखें, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको कितनी भूख है। जब आपको लगता है कि पेट भर गया, उससे थोड़ा 2 अंश आप कम ही खाना ले लीजिए, ये आयुर्वेद कहता है। तो उचित मात्रा अग्नि के अनुसार तय होती है और समय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में होता है। और जिनको बहुत ज़्यादा गुरु, मतलब पेट भर गया है, गुरुता लगती है, तो कुछ भोजन से पहले आप आद्रक, भोजन आर्द्रे सदा पथ्यम लवणार्धक भुजितम ऐसे कहा है, तो आद्रक और सेंधा ले लीजिए, कुछ पाचक औषधि जैसे जीरा, अजवायन, नागर मोथा ले लीजिए, तो इससे हजम होने में मदद होती है जी। तो विशेष रूप से आपको कब भूख लग रही है उसके अनुसार ही आपको खाना है, ऐसा हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ बता रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आयुर्वेद के विषय में जानकारी का और सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द हाजिर होते हैं।
बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का महत्व, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। मौसम बदल रहा है, दिनचर्या और ऋतुचर्या का विशेष ध्यान देकर बहुत से व्याधियों से बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर मनीष, जब बात आती है कि जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक लंबे समय तक कुछ नहीं खाना है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, इस तरह के जो विकल्प हैं आजकल वो भी काफ़ी प्रयोग किए जा रहे हैं, आयुर्वेद इनको किस दृष्टि से देखता है और कैसे यदि व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसे अपनाना चाहिए? ये जैसे कोई आदमी कहता है मुझे 12 घंटे फास्टिंग करके आई एम कंफर्टेबल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर मरीज बोलता है कि मुझे फास्टिंग करने के बाद एसिडिटी रहती है, पेट में भारीपन रहता है, शरीर में आलसपन रहता है, गुस्सा रहता है, काम करने में एनर्जी नहीं रहती, तो इसका मतलब वो प्रकृति उसको सूट नहीं कर रहा है। तो हम सिंगल शॉर्ट वे में नहीं कह सकते कि हर किसी को 12 घंटे की फास्टिंग शूट करेगा, किसी को 6 घंटे का फास्टिंग शूट करेगा। लेमैन लैंग्वेज में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमें ब्रेकफास्ट सुबह नहाने के बाद करना चाहिए जब हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, एंड एक बार शाम को करना चाहिए। दोपहर के समय जैसे जो वातज लोग होते हैं, पित्तज लोग होते हैं, उनको भूख लगता है, उनको खाना खा लेना चाहिए। लेकिन जो कफज लोग होते हैं उनको भूख कम लगती है, वो फास्टिंग मेंटेन भी कर सकते हैं अपने लिए। तो अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 12 घंटे फास्टिंग कर सकता हूँ, इट्स ओके फॉर देम, बट अगर उसको लगता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन ही शुड कंसल्ट टू ए डॉक्टर कि मैं दोपहर को सैलड ले लूँ या फ्रूट्स खा लूँ किसी प्रकार से। तो ये अलग अलग मत हो सकते हैं, हम एक बंदे एक सिंगल रूल हर व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते इसके लिए। जी, एक और कॉलर है, अंकेश पटेल जी हैं मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरा करीबन 2 हफ्ते सर दर्द हो रहा है जी, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेद में जानकारी। आपकी एज कितनी है? 40 वर्ष। 40 वर्ष की इनकी आयु है। डॉक्टर तनुजा नेसरी, क्या आप इनको एडवाइस करेंगी? सवाल दोबारा एक बार बताएं, क्या आयु 40 वर्ष की उम्र की है, उनको क्या तकलीफ है? सिर दर्द की तकलीफ रहती है डॉक्टर तनुजा जी। सिर दर्द में अगर इन दिनों में पित्त की वृद्धि होती है और शरद ऋतु में अगर सिर दर्द है और भूखा रहने से, देर में खाना खाने से अगर सिर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब उनको एसिडिटी के कारण हो रहा है। तो वो तुरंत एसिडिटी ना बढ़े, इन्फ्लेमेशन ना बढ़े, उसीलिए समय पे खाना चाहिए, ये खान पान पे ध्यान रखें। और सर दर्द के लिए सुबह उठ के अगर वो सुबह ही इलायची ले ले, थोड़ा सोंठ ले ले, तो ये उस अपने आप में शामिल करें तो मुझे लगता है सर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन वैद्यकीय परामर्श के अनुसार, क्योंकि कई सारी उसमें चिकित्साएँ है, नस्य है, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन है अणु तेल का जी, पेट में लेने के लिए सूतशेखर, कामदुगा, प्रवाल पंचामृत, गोदंती, ऐसे कई सारी दवाएं हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपने नज़दीक के वैद्यकीय सलाह के अनुसार आप इसका इस्तेमाल अपने में करिए। लेकिन नमकीन, लवण का रस, नमकीन, तला हुआ चीज़ें, स्पाइसेस, इससे आप अपने आप को परहेज रखिए जिससे एसिडिटी ना हो के सर दर्द कम होगा जी। बहुत आवश्यक है कि जो समस्या है उसका समाधान समस्या के अनुसार ही निकाला जाए, इसलिए एक आयुर्वेद विशेषज्ञ या एक वैद्य से परामर्श से ही ये तय किया जाएगा कि समस्या का कारण क्या है और इसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पर टोटल हेल्थ में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD News।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद कितना उपयोगी है स्वस्थ जीवन के लिए, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अरुण, श्वेता हैं, उनका सवाल ये है कि सर्दियों का मौसम क्योंकि आ रहा है, ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, सर्दी ज़ुकाम बार बार रहता है, क्या इस समस्या को जड़ से दूर किया जा सकता है? पंचकर्म के विषय में काफ़ी बात होती है, किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, विशेष रूप से श्वसन संबंधित समस्याओं के लिए, किसी को अगर बार बार बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है, जो कि अक्सर आजकल लोगों को परेशान करता है। देखिए, बार बार सर्दी जुकाम खांसी अक्सर इनडाइजेशन का ही एक लक्षण है। जब हमारा पेट ठीक से हमारे भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो वो कफ का निर्माण ज़्यादा करने लग जाता है, और वो जो कफ जब हमारे जा के नाक के पीछे साइनसिस इन सब में जमा होने लगता है तो शरीर उसको बाहर निकालने की चेष्टा करता है। इसी निकालने की प्रक्रिया के अंतर्गत नाक का बहना, नाक का जाम हो जाना, छींके आना, ये लक्षण होते हैं। तो मैं इनसे सबसे पहले ये विनम्र निवेदन करूँगा कि इन्हें अपनी प्रकृति के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर यही खांसी जुकाम किसी बात प्रकृति के रोगी में होगा तो उसका चिकित्सा होगा कि उसे हम चित्रक खरीद की अवले नाम की एक औषधि होती है उसका सेवन करने के लिए देंगे। अगर पित्त प्रकृति के किसी व्यक्ति में ऐसा होगा तो हम उसको जैसे कि सूतशेखर रस, अभिपत्तिकर चूर्ण, श्वासकाश चिंतामणि रस, इन सब का इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। और अगर कफ प्रकृति के रोगी में ये लक्षण बार बार आते हैं तो हम उसे च्यवनप्राश अवले निरंतर खाने की सलाह देते हैं, और साथ में सौंठ, जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है, उस सौंठ का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और साथ में उनको रोग अनुसार या प्रकृति अनुसार नस्य अति आवश्यक है। नस्य से हमारे जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हुआ म्यूकस है वो सारा निकल जाता है। उसके बाद ही अपना डाइजेशन ठीक करें, थोड़ा गट हेल्थ पे काम करें तो ये हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। जी डॉक्टर अरुण, पंचकर्म की जब बात करते हैं, किस तरह से ये कार्य करता है, और क्या जिन लोगों को अभी कोई व्याधि नहीं है वो भी इसका उपयोग कर लाभ उठा सकते हैं? जी, मेनली तो पंचकर्म बना ही उन्हीं लोगों के लिए है कि जो कि स्वस्थ हैं। जैसे हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आती है, इम्यूनिटी कोई एक गोली खाने से नहीं आती है, इम्यूनिटी के लिए हमें वर्षों निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए जब हम सीजनल पंचकर्मा का, जो कि जैसे शरद ऋतु है तो शरद ऋतु ये पित्त का काल है, इस समय विरेचन का बड़ा महत्व है। जब बसंत ऋतु आती है वो कफ का काल है, उस समय वमन का बड़ा महत्व है। और जब वर्षा ऋतु होती है या बादल छाए होते हैं तो उस समय वायु बढ़ती है, उस समय बस्ती चिकित्सा का अति महत्व है। तो जो लोग निरंतर अपने खान पान का सही समय पर पालन करते हैं, खान पान की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें बड़ा आवश्यक अगेन वही है कि अपना प्रकृति परीक्षण जरूर 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 करवाएं। मैं बार बार इस बात पे एम्फसिस दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी जितने भी डाइट प्लान्स आजकल आप अखबार में पढ़ते हो या मैगजीन्स में पढ़ते हो या गूगल सर्च करके देखते हो वो सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होते हैं। जी, वात प्रकृति का रोगी हर दो दो घंटे में उसको भोजन चाहिए, कफ वाला दिन भर भी कुछ नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी जानकारी उपलब्ध है कि हर व्यक्ति को यह लगता है कि शायद क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियां हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती, तो बिना विशेषज्ञ के परामर्श के भी इनका सेवन किया जा सकता है। लेकिन आपकी प्रकृति क्या है, क्या आपकी समस्या है, उनके अनुसार विशेषज्ञ ही ये तय करेंगे कि इसका मूल कारण क्या है और उपचार किस प्रकार से, किस विधि द्वारा किया जाना चाहिए। फिलहाल हिमाचल प्रदेश से एक कॉलर हैं फोन लाइन पर, नागेंद्र जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल।
नमस्कार मैडम जी, और सभी डॉक्टर साहिबान को भी बहुत बहुत नमस्कार, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। क्या जानना चाहते हैं आप नागेंद्र जी? मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ मैडम जी। मैडम जी, नवरात्रों के 9 दिन में जो हम लोग व्रत उपवास रखते हैं जी, और ये ऋतु परिवर्तन का के दौरान जो व्रत उपवास रखने के बाद फलाहार में क्या खाएं, कितना खाएं, क्योंकि अक्सर बीमार होने की ये बहुत बड़ी वजह होती है, और ये हमारे यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की वजह से जो बहुत सारी बीमारियां आज तक पनप रही हैं हिमाचल में। ठंड का मौसम आ गया मैडम जी, इसमें के दौरान क्या क्या वो करें जी? हमारे पास वनस्पतियां बहुत सारी हैं, सभी दवाइयां आयुर्वेद की यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमें मालूम नहीं है उनके बारे में जी। डॉक्टर तनुजा नेसरी, पहला सवाल कि इस मौसम में अगर उपवास रख रहे हैं, किस प्रकार का आहार अर्थात क्या क्या लिया जा सकता है आहार में? ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्योंकि नवरात्रि में इतने सारे व्रत के ऑप्शन है कि हम मूल जो सिद्धांत है कि मधुर, शीत, हल्का आहार करें, इसको भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पाचन शक्ति को ताज़ा तवाना रख करना और बल को बढ़ाना, ये व्रत का मुख्य उद्देश्य है। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा तला हुआ, नमकीन चीज़ें, तीखी चीज़ें, साबूदाना, मूंगफली, ये सब लेते हैं, उससे परहेज रखना चाहिए। लेना क्या चाहिए कि जो सभी जगह अवेलेबल हो, लेकिन कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, साबूदाने की खीर ले, फल जो मधुर रस वाले हैं जैसे सेब से लेके केले से लेके सभी अभी ले सकते हैं, खट्टी चीज़ें ना ले। और बहुत सारे लोग डॉक्टर तनुजा जब शाम को अपना उपवास खोलते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड पकौड़े और इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी मात्रा में खाई जाती हैं, क्या? हाँ, वो बिल्कुल गलत है। सिंघाड़े ले, राजगीरा ले, अमरंथ भी चलेगा और सामा के चावल भी चलेगा, लेकिन घी के साथ ले, तो वो जो बहुत ज़्यादा गर्म है, स्पाइसी है, ये नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है कि वो हमें व्रत में भी ले सकते हैं, इसीलिए आप देखिए कि नमक ना ले, क्योंकि व्रत में कई बार नमकीन और बिना नमक का उपवास करते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शरद ऋतु में नमक ना लेने के लिए कहा है। सेंधा नमक का उपयोग किया जाए? सेंधा नमक का तो बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तली हुई नमकीन चीज़ें ये ना ले। डॉक्टर तनुजा, विशेष रूप से जो उपवास है या व्रत की जो परंपरा है वो इस दौरान ही आती है, अर्थात सीजन चेंज, जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है, या तो शरद से ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है या अब गर्मियों से सर्दियों की ओर जब बढ़ते हैं, तो जो सीजन चेंज वाला टाइम है, साइंटिफिक व्यू पॉइंट क्या कहता है कि विशेष रूप पर इसी समय पर जो रिस्ट्रिक्शंस बताई जाती हैं या अपने आहार में परिवर्तन बताया जाता है, लाभ क्या होता है उससे? ये जो हमारी जो बॉडी है, जो सिस्टम है, वो ऋतु परिवर्तन से, मतलब यूनिवर्सल क्लॉक है, तो ये उसको एडजस्ट करने के लिए, जो ट्रांजिशन पीरियड है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये समय चाहिए। और साइंस भी ये कहता है कि इन दिस ट्रांजिशन पीरियड वायरस भी बहुत ज़्यादा पनपते हैं, जैसे मस्क्यूटोज, कितने सारे चिकनगुनिया या जैसे वायरल हेपेटाइटिस, ये सभी बीमारियां ये ऑटम और स्प्रिंग पूरे दुनिया में भी देखा, तो ये जितने भी व्रत है, उपवास है, ये सभी इन ट्रांजिट पीरियड में ही है, बिकॉज टू अलाउ योर सिस्टम टू एडजस्ट टू द सीजनल चेंज। आप देखिए, जिसको सर्द गर्म का ये सीजन है कि दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर, इसमें 10 डिग्री का फर्क है, तो ये एडजस्ट करना बॉडी को अपने आप में समय चाहिए, इसीलिए हमें हल्का, लघु, सुपाच्य और मधुर भोजन रहना चाहिए। हमें सजग रहने का यह समय है, अपने आप के प्रति, अपने आहार के प्रति, विहार के प्रति, इसीलिए नवरात्र ये इन दोनों के, शरद ऋतु के नवरात्र और वसंत ऋतु के चैत्र नवरात्र, ये दोनों भी इन दिनों 9 दिनों में व्रत और उपवास करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये है कि आप हल्का खाइए, फल ले लीजिएगा, सुपाच्य ले लीजिए। आयुर्वेद शरद ऋतु में इवन शाली के चावल, गेहूं की रोटी भी कहता है, लेकिन ना कि पराठे, फुलके, पूरी, इसका इस्तेमाल करें। तो ये व्रत मतलब
हल्का सुपाच्य भोजन ले लीजिए, समय पे ले लीजिए, ये इसका अर्थ है जी। डॉक्टर मनीष, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और जैसा नागेंद्र जी भी कह रहे थे, क्योंकि एक ठंडे इलाके में रहते हैं, हिमाचल में ये रहते हैं, तो बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज और सर्दी में होने वाले रोगों की संभावना वहाँ पर ज़्यादा रहती है। किस तरह से पहली बात अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है आयुर्वेद की पद्धतियों का प्रयोग करके, और आहार में किस तरह की चीज़ें लेना उपयोगी हो सकता है, क्योंकि बचाव अगर होगा तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि पहले समस्या हो जाए फिर उसे ठीक किया जाए। सबसे पहले तो मूल रूप से हमें अपने बेसिक को वापस आना होगा कि भूख सही लगे, नींद सही है और मल सही है। जैसी हम तीन चीज़ों को करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब बात आई खाने की, तो जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके जो एरिया में उत्पन्न होते हैं, फ्रेश फ्रूट जो आ रहा है आजकल, उसका सेवन ज़्यादा करना है। रखे हुए फ्रूट्स, नॉन सीजनल फ्रूट्स जो महंगे मिलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। जो फ्रूट रेडी पे सबसे सस्ता बिक रहा है वो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके स्थान के अनुसार सबसे अच्छा और फायदेमंद होता है जी। इसके साथ साथ इस ऋतु में आप त्रिकटू के साथ थोड़ी सी मिश्री का सेवन करके भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। डेली मात्रा में इसका थोड़ा सा एक रात को सेवन कर सकते हैं आप इसका, और वो आपके कफ को, पित्त को और वात को दोनों को सामान्य स्थिति में रख के आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकता है जी। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विशेषज्ञों से जानेंगे कुछ और उपाय आयुर्वेदिक पद्धतियों और चिकित्सा से जुड़े हुए, किस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और कर सकते हैं रोगों से बचाव। देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम लौटते हैं जल्द। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक है, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल रोहित सेठी हैं, पंजाब से कॉल कर रहे हैं। स्वागत आपका रोहित जी, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार जी, सभी जी को और अपना नवरात्रों की सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैडम मेरे को एक सवाल ये पूछना था कि मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेरे को डायग्नोज हुआ था 2021 में, उसके बाद से मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अपना मेथोटेक्सेट ले रहा हूँ 7.5 mg कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 2 and 3 years। तो अभी मैं ये जानने आ रहा था कि आयुर्वेदिक में क्या कोई प्रावधान है, इसके जैसे पंचकर्मा वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई ऑप्शन है जी। और एक सवाल मेरा और था कि हम जैसे बोलते हैं कि सेंधा नमक हमारे लिए अच्छा है, मैंने एक सवाल शायद आपके प्रोग्राम पहले भी पूछा था जी, आज फिर पूछ रहा हूँ कि जैसे हमें आयोडाइज नमक भी बोला जाता है कि लेना चाहिए, अगर सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है तो हमें क्या ये साइमल्टेनियसली यूज करना चाहिए आयोडाइज नमक के साथ, या इसका क्या प्रावधान है? ये दो सवाल है। डॉक्टर अरुण, क्या आप इनको परामर्श देना चाहेंगे जी? इनके दो प्रश्न हैं, एक तो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पंचकर्म से कैसे इनको लाभ मिल सकता है। तो यस, निश्चित रूप से, हालांकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रायः करके महिलाओं की व्याधि है, पुरुषों में ये रोग बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अब इनको हुआ ही। आपकी एज कितनी है रोहित जी? शायद अब कट गया, संपर्क तो नहीं है। जनरली ये 40 साल के करीब की उम्र में ही होने वाला रोग है। तो रोहित जी से मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद में जो बस्ती चिकित्सा है उसमें भी विशेष रूप से वैतरण बस्ती का सिद्धांत है, जिसमें कि कुछ गुड़, इमली, इन सब चीज़ों को मिला के बस्ती यानी कि एनिमा दिया जाता है, उसका ये इस्तेमाल करवाएं। दूसरा बालू का स्वेद, कि नमक और रेत समान मात्रा में मिला लें
और उसको गर्म करके जो जो भी इनका जोड़ दुखता है उस पर उससे सिकाई करें। इस रोग को आयुर्वेद में आम बात बोला जाता है, इसलिए इसमें तेल लगाने का निषेध है। ये दर्द के लिए किसी भी प्रकार का तेल, अक्सर टीवी पे ही ऐड आते हैं बहुत सारे जी, कि ये तेल लगा लें और आपके जोड़ ठीक हो जाएंगे, जो कि एक भ्रामक प्रचार के रूप में कई बार साबित होता है, खास करके आम बात के रोगियों में। तो इनको ड्राई हीट, और उसमें भी विशेष रूप से नमक की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंधा नमक ही बात कर रहे हैं, या जो रॉ सॉल्ट होता है वो ले सकते हैं जी। दूसरा, इन्होंने आयोडीन की बात करी, तो आयोडीन पूरे विश्व में या पूरे भारत में सबको ज़रूरत नहीं है। आयोडीन की ज़रूरत केवल उन इलाकों में है जहाँ पे कि आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाले रोग होते हैं जी। दूसरा, आयोडीन को जब आप उबाल लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसलिए उसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है, कि आप टेबल पे रख के अपने भोजन में आयोडाइज्ड नमक को डालिए, ना कि सब्जी में पकाते समय डालिए जी। और दूसरी बात ये भी है कि जो सेंधा नमक उपयोग करने का बताया जा रहा है, वो विशेष रूप से जब आप उपवास रखते हैं तो उसमें आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष, किस तरह से बताना चाहेंगे अब वो रोग जो इस मौसम में काफी ज्यादा होते हैं, सर्दियों के मौसम में, यदि किसी व्यक्ति को लग रहा है कि गला खराब है, गले में खराश है, खांसी हो रही है, क्या उपाय उसके लिए किए जा सकते हैं जो सरल भी हो और जिनसे कोई व्यक्ति आसानी से उनको कर भी सके? सबसे पहले तो फर्स्ट जो होता है वो प्लेन नमक के पानी के गागल्स कर सकता है, दैट्स द इजीएस्ट मेथड फॉर देम। साथ में अगर वो तुलसी, अदरक का रस और शहद, तीन चीज़ सुबह शाम सेवन करेगा तो इट्स आल्सो गुड। इस समय के मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो जुखाम बड़ा कॉमन होता है, हल्का गला खराब, खांसी होना बड़ा कॉमन होता है, फीवरिश फीलिंग होना होता है और पेट भी खराब रहता है कम मात्रा में। तो अगर बुखार किसी को लगता है तो वन कैन गो फॉर सुदर्शन घनवटी आती है वो ले सकते हैं, गोदंती आती है वो ले सकते हैं, और इन सब से भी दवाइयां नहीं लेना चाहता है मरीज तो सिंपल लंगन पे, यानी कि एक दिन का उपवास करे, हल्की मात्रा में दाल का पानी सूप का सेवन करे, उससे फीवर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जैसा मैंने आपको बताया कि त्रिकटू ले सकते हैं आप, अदरवाइज शहद के साथ शहद प्लस अदरक का रस ले सकते हैं, तुलसी रस ले सकते हैं, और अगर जुखाम बहुत ज़्यादा रहता है तो देसी घी में बेसन का हलवा भी रात को खा के सो सकते हैं कम मात्रा में, जो आपके शरीर की तासीर को अच्छा रखेगा और इन आने वाले रोगों से बचाव करके रखे जी। बहुत ही सरल उपाय हैं और इसको आसानी से कोई भी घर पर ही कर सकता है, लेकिन अगर समस्या बढ़ जाती है तो एक वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श के अनुसार ही आप किस तरह की औषधि ले रहे हैं वो निर्धारित करें। डॉक्टर तनुजा नेसरी, प्रकृति किस व्यक्ति की कैसी है वो कितना उस पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा, शीत ऋतु आएगी, शरद ऋतु आएगी, तो क्या उसको रोग होंगे या नहीं, और जब किसी भी समस्या के उपचार की बात आती है प्रकृति पर निर्भर कितना करता है कि उपचार कैसे किया जाए जी? ये अपने आप की एक पहचान है प्रकृति, एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, हर किसी की एक वात पित्त कफ और साथ उसी के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो इस बारे में मैं आप को ये जरूर कहना चाहूँगी दर्शकों को भी कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा भी देश के प्रकृति के पहचान, हर किसी को नो योर सेल्फ, तो ये एक अभियान चलाया जा रहा है, और ये महीना एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसा आयुर्वेद दिवस, जो अभी धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती 29 अक्टूबर को है, तो उसमें ये पूरा महीना 24 डेज काउंटडाउन शुरू है, तो उसमें सबसे अहम प्रकृति को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप के सजग हो, क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही, दैट इज़ अ बेंचमार्क, उसके अनुसार ही आप अपने के लिए जो चाहिए ऐसा योग्य आहार विहार और आचार को तय कर सकते हैं। इसीलिए प्रकृति पता नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी बाकी लोग खा रहे हैं वैसे आपने आहार किया, भोजन किया, विहार भी किया, तो व्याधि होना तय है। इसीलिए अगर ऋतु के अनुसार भोजन करना, आहार में बदलाव लाना, ये अगर आपने आपको समझ लिया तो माइंडफुल डाइट, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल लिविंग, ये प्रकृति समझने के बाद ही होगा। इसीलिए प्रकृति के अनुसार आहार करें, भोजन करें, विहार करें, और ऋतु के अनुसार उसमें बदलाव रखें, यही एक स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र है। इसीलिए प्रकृति समझना
बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर अरुण। एक ईमेल है, श्रद्धा जी का ईमेल है, उन्होंने कहा आपने जो अभी बताया था एक कॉलर को कि यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो तेल से मालिश नहीं करनी है। वो ये कह रही हैं कि उनको ऑस्टियो आर्थराइटिस की, एज रिलेटेड आर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो क्या ऐसे में तेल से मालिश करना उपयोगी हो सकता है? जी हाँ, ऑस्टियो आर्थराइटिस को संधिवात बोलते हैं आयुर्वेद में, तो इसमें तो तेल ही लाभकर है। उसमें महानारायण तेल है, सहचर आदि तेल है, पिंड तेल है, बला तेल है, बड़े सारे ऐसे तेल हैं जो कि अगेन एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं उनके मुताबिक वैद्य डिसाइड करता है। सिर्फ ऑन द काउंटर जाके कोई भी तेल ले लें ऐसा मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। ज़रूर अब तो भारत सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी, हर राज्य में इतने सारे आयुष अस्पताल, इतनी सारी आयुष डिस्पेंसरियाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक उपलब्ध हैं कि आप निकट जाके बड़े आराम से उसका उपचार करवा सकते हैं जी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि घी, अगर आप 2 चम्मच घी सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो वो आपके शरीर में वायु को बढ़ने नहीं देगा, और जब वायु नहीं बढ़ेगी तो जोड़ों से संबंधित या अस्थियों से संबंधित कोई भी रोग आपको नहीं होगा जी। फिलहाल एक कॉलर है राजस्थान से, किशन लाल जी हैं फोन लाइन पर, स्वागत आपका, सवाल पूछिए किशन लाल जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे कैंसर हो गया था। कौन सा कैंसर तो किशन लाल जी, कौन सा कैंसर हो गया था आपको? मेरे पेशाब की थैली में कैंसर हो गया था, तो मैंने इलाज करवा लिया, एलोपैथी से इलाज करवाया, ऑपरेशन करवा लिया, सही हो गया, फिर वापस दोबारा हो गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैंसर में कोई ऐसा क्या कैंसर में 100% इलाज होता है कि वो दोबारा नहीं हो आयुर्वेद में? जी डॉक्टर तनुजा ने इसे, ये कैंसर में आयुर्वेद हर स्टेज में, प्राइमरी प्रिवेंशन, केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करना, रेडियो प्रोटेक्शन, सेकेंडरी, एक बार अपना केमोथेरेपी ऑपरेशन करने के बाद दोबारा ना हो इसीलिए लेना, और पैलिएटिव, ये सभी स्टेज में वैद्यकीय परामर्श के अनुसार आयुर्वेद एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ वैल्यू एडिशन मदद कर सकता है। और टोटल इंटीग्रेटेड अप्रोच में कन्वेंशनल मेडिसिन और आयुर्वेद, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो कैंसर का इलाज सही है। लेकिन हम ये टॉल क्लेम नहीं करना चाहिए कि केवल इसी से कैंसर का इलाज होता है, लेकिन इसका परामर्श के अनुसार तो हम ले सकते हैं, बहुत सहयोगी हो सकता है। और इसीलिए अब इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात हो रही है कि सारी पद्धतियों को एक साथ मिलाकर रोगी को पूर्ण चिकित्सा मिले और उसको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो यदि आप कैंसर आपको हो चुका है, इलाज भी आपने करवाया है, साथ में आप आयुर्वेदिक विकल्प भी अपना सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनेगी और कैंसर की संभावना आगे चलकर कम हो जाएगी, यानी उसके रेकरेंस के चांस भी कम हो सकते हैं। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर मनीष आपके लिए कि काढ़े का उपयोग सर्दियों के मौसम में कितनी बार किया जा सकता है और क्या ऐसा किया जा सकता है जिस प्रकार 3-4 बार चाय पी जाती है उसके बजाय काढ़े का ही उपयोग किया जाए, इससे क्या इम्यूनिटी बूस्टिंग में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है? नीति सिंह का यह सवाल है। अगेन काढ़े की बात आती है तो बहुत से लोग चाय की तरह पीना शुरू कर देते हैं, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी। अगर किसी की कफज प्रकृति है तो वो भी अगर 2 बार लेगा तो वो सफिशेंट है उसके लिए, उससे ज़्यादा लेने पे उसको गैस्ट्राइटिस होने की, अम्लपित होने की पूरी पूरी संभावना है। और वातज और पित्तज प्रकृति जिनकी है उनको काढ़ा सूट नहीं कर सकता है। अगर वो 1 बार लेते हैं, उनको लगता है आई एम फीलिंग फाइन, ओके बेटर, देन इट्स ओके, अदरवाइज वो 1 बार से ज़्यादा सेवन ना करें। वातज पित्तज और कफ वाले मैक्सिमम 2 टाइम सेवन करेंगे तो उनके लिए महत्वपूर्ण और बढ़िया रहेगा उनके लिए जी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आयुर्वेद और स्वास्थ्य के विषय में ये जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए एमडीएच का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभ, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर मनीष गुप्ता हैं हमारे साथ, डॉक्टर तनुजा नेसरी, डॉक्टर अरुण गुप्ता। अपने विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मनीष आपसे कि आयुर्वेद एक परंपरागत विधा है या पद्धति है जिसका उपयोग आधुनिक युग में नहीं किया जा सकता? नहीं नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं जी। डॉक्टर तनुजा नेसरी, क्या आयुर्वेद के लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं? बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद हर किसी के लिए है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी के लिए। प्रकृति के अनुसार, व्याधि बल के अनुसार हर कोई हर प्रकार का आहार ले सकता है जी। डॉक्टर अरुण, क्या सिर्फ स्वस्थ लोग ही आयुर्वेद का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात रोग के इलाज या निदान में इसका कोई लाभ या भूमिका नहीं होती? आयुर्वेद यही कहता है कि प्रथम दृष्टया स्वस्थ व्यक्ति को आयुर्वेद का इस्तेमाल करना ही चाहिए ताकि रोग हो ही ना, और जब वो नहीं इस्तेमाल करता है, रोग हो जाता है, तो आयुर्वेद का रोल बहुत अधिक महत्व है। तब भी आयुर्वेद विभिन्न चिकित्सा माध्यमों से रोग को निवारण करता है। राइट डॉक्टर मनीष, क्या सिर्फ काढ़ा लेना या मालिश करवा लेना ही आयुर्वेद है? नहीं, हमें प्रॉपर डॉक्टर से बात करके, चिकित्सक से बात करके अपने दिनचर्या के बारे में, जब कभी हमें कोई तकलीफ होती है तो हम लिखें उसको, हम क्या हम कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो उसके बाद हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो आयुर्वेद पूरी एक जीवन शैली है, चिकित्सा पद्धति है, और इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। डॉक्टर तनुजा नेसरी, सभी वैद्यों के अपने नुस्खे होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सभी लोग अपने अनुसार ही इलाज करते हैं, तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते आयुर्वेदिक चिकित्सा में? आयुर्वेद ये मूलतः एक स्टैंडर्ड चिकित्सा पद्धति है, मानव च तच्चे यत्रोक्तम कहा है, तो इट इज़ अ मोस्ट स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक मेडिसिन। हमारे एक फार्माक्यूपियल स्टैंडर्ड भी है, तो एक ऑर्गेनाइज वे में भी हर कोई उसके एप्लीकेशन भिन्न हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड एक है। राइट डॉक्टर अरुण, आयुर्वेदिक दवाओं में हैवी मेटल्स, लेड, मर्करी, आर्सेनिक, इन तरह के तत्वों का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं? ये एक भ्रामक प्रचार है। जब हैवी मेटल्स को मिनरल्स बना दिया जाता है, तब उनको आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी लोहा, जिंक, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, और आयुर्वेद में युगों युगों से इसका इस्तेमाल होता आया है, और बड़ी सारी ऐसी बीमारियां जो कि लाइलाज समझी जाती हैं, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं इनके माध्यम से, लेकिन उनका निर्माण गुणवत्ता के अनुसार होना ज़रूरी है जी। डॉक्टर मनीष, क्या आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत अधिक हानि नहीं होती, तो इसलिए एक विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, इसे कोई भी कहीं से भी कभी भी ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम बिना परामर्श के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया मेटल मेडिसिन, जब हमें लगता है कि रोग के अनुसार उस मेटल मेडिसिन की जरूरत है तभी हम उसको यूज करें, अदरवाइज नहीं मैम। राइट डॉक्टर तनुजा, आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर कितना जोर दिया जाता है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये दवाएं कभी एक्सपायरी डेट इनकी नहीं होती, तो जब तक चाहे जितनी पुरानी होगी उतना लाभ होगा? बिल्कुल ही नहीं, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स बने हैं, ये स्टैंडर्ड और गुणवत्ता के लिए फार्माकोपिया कमीशन है, और सेफ्टी के लिए फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम किया जाता है। तो क्वालिटी, सेफ्टी, ये इफिकेसी के लिए अहम महत्वपूर्ण है, और इसके लिए पूरा मंत्रालय और पूरा विभाग इसके लिए सजग है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है जी। डॉक्टर अरुण, क्या आयुर्वेद को एक अंतिम विकल्प के रूप में ही लेना चाहिए, अर्थात जब कुछ काम ना करें तो आयुर्वेद के पास आए? आयुर्वेद में षड क्रियाकाल का वर्णन है कि आयुर्वेद चिकित्सा के जो 6 अवसर हैं, व्याधि जब शुरू होती है और व्याधि जब जीर्ण रूप धारण कर लेती है, हर अवस्था में आयुर्वेद इस्तेमाल हो सकता है, और जितना जल्दी आप आयुर्वेद में आएंगे उतना जल्दी आप अपने रोग से मुक्ति पाएंगे। डॉक्टर मनीष, बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारे परहेज करने होंगे, इसलिए हम आयुर्वेद का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं होती है। हमने अपने आप को इतने सालों में इतना गलत तरीके से खाना पीना शुरू कर दिया है कि हमको लगता है सही खाना खाना बड़ा मुश्किल है। यदि हम उस पर विचार करें तो हम देखेंगे कि सही खाना खा के हम बीमारी नहीं होंगे,
राइट डॉक्टर तनुजा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आयुर्वेद की जो दवाएं हैं ये चिकित्सा बहुत धीमी कार्य करती है और सिर्फ माइनर एलिमेंट्स यानी छोटे मोटे जो सरल से व्याधियां हैं उसमें तो प्रभावशाली है लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए नहीं है। आयुर्वेद ये सभी प्रकार के बीमारी के लिए इलाज है। सर्वांगीण होलिस्टिक अगर किया तो वो कैंसर से लेके कोविड तक और कॉमन कल्ड से लेके सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सभी के लिए इसका उपचार होता है। और कोविड ने हमें ये बता दिया कि आयुर्वेद एक्यूट कम्युनिकेबल डिसीजेज में उतना ही लाभकर है जितना जीर्ण बीमारियों में लाभकर होता है। जी डॉक्टर अरुण, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से अपने जीवन को बदला जाए, जीवन शैली को बदला जाए जिससे स्वस्थ और निरोगी जीवन आयुर्वेद के माध्यम से प्राप्त किया जा सके? जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं और एक पहिया भी पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ही हमारे इस शरीर के चार अंग हैं, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारा शरीर। तो इन चारों पे अगर हम फोकस करेंगे, इन चारों की उन्नति करेंगे और किसी को भी पंचर नहीं होने देंगे तो हम 100 ईयर्स शतायु जीवन जी सकते हैं। जी शतायु जीवन हो सकता है लेकिन गुणवत्ता उसकी कैसी रहे, किस तरह से संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर मनीष, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो सिर्फ घरेलू नुस्खे हैं वही आयुर्वेद है। मेन चीज अगर अपनी भूख पे कंट्रोल करना, भूख सही समय पे खाना खाना, सही समय पे सोना और सही समय पे बल त्याग, तीन चीज अगर हम करते हैं तो डॉक्टर साहब के अनुसार जैसा शतायु पे हम पहुंच सकते हैं। जी डॉक्टर तनुजा नेसरी, आपका संदेश बहुत से लोगों को लगता है कि ये साइंटिफिक ट्रायल्स इसमें नहीं होते इसलिए जो गुणवत्ता की बात है या कितना प्रमाणिक है उसके ऊपर लेकर प्रश्न चिन्ह रहते हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? आयुर्वेद इज अ मोस्ट साइंटिफिक मेडिकल सिस्टम एंड इट इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। उसको क्वालिटी गुणवत्ता के अनुसार, परामर्श के अनुसार ले। मैं यही संदेश हर किसी को दूंगी कि सजग रहे, अपने आप के प्रति सजग रहे, प्रकृति समझे, अपने आहार के प्रति सजग रहे तो प्रकृति के अनुसार आहार रहे, अपने सीजन के प्रति सजग रहे तो ऋतु के अनुसार आहार में विहार में बदलाव करे तो यही स्वस्थ जीने का मंत्र है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर तनुजा नेसरी, डॉक्टर अरुण गुप्ता, आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि कैसे अपने आहार विहार और विचार में बदलाव कर आप व्याधियों की संभावना को कम कर सकते हैं, निरोगी काया निरोगी जीवन स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है भीड़ का हिस्सा वो बने जिन्हें बस कुछ दूर तक जाना है, जिनकी मंजिल है आसमान तक उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। आयुर्वेद भी इसी सिद्धांत पर चलता है कि आपकी व्याधि क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार ही आपके लिए नियम तय किए जाते हैं, सिद्धांत लागू किए जाते हैं और वैसे ही बनता है व्यक्ति का आहार और विहार। इसलिए यदि आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि प्रकृति के करीब रहना आपको स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है। इसलिए आयुर्वेदिक जीवन जीना आपकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आधार बन सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। टोटल हेल्थ में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी आगे भी आपको ऐसे ही देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।